नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं हिंदू मंदिरों में इष्ट देव की परिक्रमा क्यों की जाती है, इसका क्या धार्मिक महत्व है, क्या आध्यात्मिक महत्व है और इसके क्या लाभ हैं। भगवत प्राप्त संत महापुरुष के व्यासपीठ या निवास स्थान की उनके द्वारा शक्तिपात किए हुए वट या पीपल वृक्ष की महापुरुषों के समाधि स्थल अथवा किसी देव प्रतिमा की किसी कामना या संकल्प पूर्ति हेतु जो परिक्रमा प्रदक्षिणा की जाती है उसके पीछे अत्यंत सूक्ष्म रहस्य छिपे हैं। इसके द्वारा मानवीय मन की श्रद्धा समर्पण की भावना का सदुपयोग करते हुए उसे अत्यंत प्रभावशाली आभा विज्ञान का लाभ दिलाने की सुंदर व्यवस्था हमारी संस्कृति में है। प्रदक्षिणा में छिपे वैज्ञानिक रहस्य देवमूर्ति व ब्रह्मनिष्ठ संत महापुरुषों के चारों तरफ दिव्य आभा मंडल होता है। वैसे तो हर व्यक्ति के शरीर से एक आभा औरा निकलती है, किंतु ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष का आभा मंडल दूर दूर तक फैला होता है। यदि वे महापुरुष कुंडलिनी योग के अनुभवनिष्ठ योगी भी हों तो उनका आभा मंडल इतना व्यापक होता है कि उसे नापने में यंत्र भी असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे आत्मा राम पी संत जहाँ साधना करते हैं, निवास करते हैं, वह स्थल उनकी दिव्य आभा से, उनके शरीर से निकलने वाली दिव्य सूक्ष्म तरंगों से सुस्पंदित ऊर्जा संपन्न हो जाती है। इस कारण ऐसे महापुरुष की परिक्रमा करने से लाभ होता ही है, साथ ही उनके सानिध्य से सुस्पंदित स्थानों की भी परिक्रमा से हमारे अंदर आश्चर्यजनक उन्नतिकारक परिवर्तन होने लगते हैं। परदक्षिणा अर्थात दक्षिणा दाई दिशा की ओर फेरे करना। परिक्रमा सदैव अपने बाएं हाथ की ओर से दाएं हाथ की ओर की जाती है, क्योंकि दैवी शक्ति के आभा मंडल की गति दक्षिणवर्ती होती है। इसके विपरीत दिशा में परिक्रमा करने से उक्त आभा मंडल की तरंगें और हमारी स्वयं की आभा तरंगों में टकराव होता है, जिससे हमारी जीवन शक्ति नष्ट होने लगती है। परदक्षिणा के अनेक लाभ हैं। तीर्थों की अपनी महिमा है, परंतु हयात ब्रह्मवेता सत्पुरुषों की भी महिमा से निराली ही है। उसके लिए शास्त्र कहते हैं कि वे तो चलते फिरते तीर्थ राज हैं, तीर्थ शिरोमणि हैं। ऐसे महापुरुष की यदि किसी वस्तु पर दृष्टि पड़ जाए, स्पर्श हो जाए अथवा वे उस पर संकल्प कर दें तो वह हमारे लिए प्रसाद हो जाती है, प्रसन्नता आनंद उल्लास एवं शांति देने वाली हो जाती है, साथ ही मनोकामनाएँ भी पूर्ण करती हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है विश्वम भर में स्थित अनेक साधु संतों के आश्रम में ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष पूजा की जाती है और वहाँ भक्त बहुत फायदा उठाते हैं। जब श्रद्धालु अपना दायां अंग आराध्य देव की ओर करके एवं मन ही मन प्रदक्षिणा की संख्या व संकल्प निश्चित करके प्रदक्षिणा करता है तो उसके शरीर मन बुद्धि पर इष्ट देवता की तरंगों का विशेष प्रभाव पड़ता है। परिक्रमा के समय यदि मन से शुभ संकल्प व समर्पण भावना के साथ सर्वसिद्धि प्रदायक भगवन नाम या गुरु मंत्र का जप सुमिरन होता है तो मन शुद्धि भी होती है और लौकिक शारीरिक सांसारिक और भी लाभ होते हैं।
हिंदू धर्म ग्रंथों में उपासना से जुड़ी कुछ विशेष परंपराओं के विषय में विस्तार से बताया गया है। इन सभी में देवी देवताओं की परिक्रमा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि देवस्थल या भगवान की परिक्रमा करने से साधक के कई प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं और उन्हें आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में मंदिर और उनसे जुड़े परंपराओं को शास्त्र व धर्म ग्रंथों में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। प्राचीन काल से लोग अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए एवं भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंदिर जाते रहे हैं। भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जिनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है और उनसे जुड़ी कई कथाएं भी प्रचलित हैं। इसके साथ शास्त्रों में मंदिर से जुड़ी कुछ परंपराओं के विषय में बताया गया है, जिसमें देवी देवताओं की परिक्रमा को बहुत ही महत्व दिया गया है। हिंदू धर्म में परिक्रमा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसके पीछे आध्यात्मिक व बहुत से वैज्ञानिक कारण हैं। मंदिर शब्द का अर्थ है मन से दूर कोई स्थान, अर्थात ऐसा पवित्र स्थान जहां मन और ध्यान अध्यात्म के अलावा किसी अन्य चीज पर न जाए। मंदिर को आलय भी कहा जाता है, जैसे शिवालय, जिनालय इत्यादि। जब हम मंदिर जाते हैं तब हमारा मन भोग विलास, काम, अर्थ, क्रोध इत्यादि से दूर हो जाता है। यहाँ व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है और मन शांत रहता है। प्राचीन काल से मंदिरों की बनावट वास्तुशास्त्र के अनुसार की जाती रही है, इसलिए यहाँ आने से व्यक्ति पर नकारात्मक शक्तियों का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है और मन सीधे सीधे भगवान से जुड़ जाता है। मंदिर में रहकर भगवान की आराधना व ध्यान करने से मन को आध्यात्मिक संतुष्टि भी प्राप्ति होती है और इसे भगवान की आराधना के लिए आवश्यक माना जाता है। बता दें, पूजा अर्चना के बाद परिक्रमा का भी विशेष विधान शास्त्रों में बताया गया है। पूजा पाठ के बाद हम देवी देवता या देवस्थल की परिक्रमा करते हैं, लेकिन कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। तो देवी देवताओं की परिक्रमा प्राचीन काल से चली आ रही है, इसके पीछे धार्मिक एवं वैज्ञानिक कारण छुपे हुए हैं। बता दें कि परिक्रमा को प्रदक्षिणा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है दाएं ओर से घूमना भी। बता दें कि जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसी दिशा में मनुष्य को प्रदक्षिणा करनी चाहिए। माना जाता है कि जब एक व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर घूमता है तब उन पर विशेष प्राकृतिक शक्तियों का प्रभाव पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि देवस्थल की परिक्रमा करने से व्यक्ति के अंदर मौजूद नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं और देवी देवता व इष्ट देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन इनसे जुड़े हुए कुछ जरूरी बातों को भी जान लेना आवश्यक है। भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा, शास्त्रों में यह विदित है कि भगवान शिव की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है। जलाभिषेक के बाद जिस स्थल से जलधारा निकलती है उसे लांघने की मनाही है, इसलिए भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा का ही विधान। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और साधक को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान गणेश की तीन परिक्रमा, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश सभी देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय हैं। साथ ही शास्त्रों में यह बताया गया है कि भगवान गणेश की तीन बार परिक्रमा करनी चाहिए और ऐसा करते समय मन ही मन अपनी मनोकामना को दोहराया जाना चाहिए। ऐसा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। गोवर्धन की परिक्रमा, भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में गोवर्धन पर्वत विराजमान हैं। किंवदंतियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीला में गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मथुरा में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से साधक को बल, बुद्धि, विद्या एवं धन्य धान्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह पूरी परिक्रमा
23 किलोमीटर की है और इसे पूरा करने में 5 से 6 घंटे का समय लगता है। सबसे लंबी परिक्रमा नर्मदा परिक्रमा। अब तक की सबसे लंबी परिक्रमा नर्मदा परिक्रमा को कहा गया है, जिसका क्षेत्रफल 2600 किलोमीटर है। यह यात्रा तीर्थ नगरी अमरकंटक ओमकारेश्वर और उज्जैन से प्राप्त होती है और यहीं पर आकर समाप्त हो जाती है। इस परिक्रमा में कई तीर्थ स्थलों के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है। खास बात यह है कि नर्मदा परिक्रमा 3 वर्ष 3 माह और 13 दिनों में पूर्ण होती हैं, लेकिन कुछ लोग 108 दिनों में भी इसे कठिन परिक्रमा को पूरा कर लेते हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों, नमस्कार। प्रदक्षिणा और सर्कमएम्बुलेशन अराउंड ए डीटी इन ए टेम्पल इज वेरी वेरी बेनिफिशियल। इट induces divinity in the devotees who circumambulate around the deity. In every Hindu temple, this is customary and people do pradakshina with a great zeal and fervor. It induces divine qualities in the devotees who do pradakshina around the chosen deity. You can see here in this video, devotees are circumambulating around Maharishi Ramnath in Ramnasaram in Tirunamalai. In Tirunamalai, not only people circumambulate in the Ramanasaram temple, but people go for pradakshina or circumambulation around the holy Arunachala hill. The total circumference of Arunachala hill is around 14 kilometer. It is covered within 4 to 5 hours and people go for pradakshina around Arunachala hill during night, because Tirunamalai, there is hot weather throughout the year. So people prefer night time to go for pradakshina. Yeah.
सर्वयाद।